स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? बेटा आज हम लोग देखो हेल्दी फ्रूट्स बनाना सीखेंगे विद द वाटर कलर्स। अब देखो मैंने एक पेंटिंग बना के रखी है, ये मैंने अपने किचन में लगाई है। आप भी इस तरीके से अपने ब्यूटीफुल पिक्चर मैं सिखाऊंगी, इसको बनाना सीखेंगे मेरे साथ। बेटा जैसे मैंने आपको बताया कि हम आज फ्रूट बास्केट बनाएंगे विद फ्रूट्स के साथ में, तो इनिशियली आपने पहले फ्रूट्स बनाए होंगे छोटी क्लासेस के अंदर, लेकिन फिर से मैं रिविजन करवाऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने मार्जिन लाइन खींची है पेपर में। मार्जिन लाइन का एक अपना रोल है, तो वो जरूरी है। इस तरीके से हम लोग मार्जिन लाइन कवर करेंगे फुल पेपर के ऊपर। हमारी मार्जिन लाइन बन चुकी है। हम 1.1 सेंटीमीटर की एक लाइन और खींचेंगे जिसपे हम लिखेंगे टॉपिक। तो टॉपिक हमारा आज क्या है? फ्रूट एंड फ्रूट बास्केट। मैंने कैपिटल लेटर्स पे लिखा है जिससे बिल्कुल क्लियर हमारी इसमें जो हेडिंग है वो दिखे, ठीक है। और डेट भी मेंशन करनी है। अब हम लोग ड्रॉ करना शुरू करेंगे फ्रूट्स। सबसे पहले हम एप्पल ड्रॉ करेंगे जो मेन हेल्दी फ्रूट है। ये देखिए, आप पहले से कर चुके हैं, आपको हैबिट भी होगी किस तरीके से करना है। इनिशियली थोड़ा सा मैं बता रही हूँ जिससे जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं आता वो सीख सके। ये देखिए इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया। इसका इंटरनल पार्ट हम लोग रब कर देंगे लीफ का, और साथ में इस तरीके का एक लुक दे देते हैं ग्रीन लीफ का। अब हम बनाएंगे पियर। ये देखिए कर्व बनाया, छोटा स्मॉल कर्व, देन बिग कर्व एंड स्लांट, देन मैंगो। बेटा आप लाइट पेंसिल का यूज करेंगे, मैं अभी वीडियो में दिखाना चाहती हूँ इसलिए मैंने डार्क किया है, क्योंकि हम लोग वाटर कलर करते हैं तो उसका इफेक्ट आता है। ये हमने लीव्स यहां से ली है मैंगो के अंदर, जो मिड एरिया है एक्स्ट्रा पार्ट हम उसको रब कर देंगे। ये इस तरीके से हमारी लीव्स हो जाती है। देन बनाना, बनाना के लिए हमने ये कर्व पार्ट लिया है ऊपर का जो टॉप एरिया होता है, देन कर्व डीप कर्व स्लाइड, देन जल्दी से बन गए ना फ्रूट्स। ऐसा ये इनिशियली पार्ट है फ्रूट बास्केट का। फिर आप और भी चीज बनाएंगे, जैसे स्टडी भी बर्ड्स बनाइए, आप लैंडस्केप की प्रैक्टिस करिए, शो करिए। ये जो मेन पार्ट्स हैं आपको ये आना चाहिए बनाना, लैंडस्केप बनाना है वाटर कलर से। हमने डे नाइट देखा था ना, काफी बच्चों ने सीखा, कैसा लगा वीडियो? उसके अपडेट्स भी नहीं दिए काफी बच्चों ने, देखते सब हैं लेकिन काम और काम कुछ बच्चे करते हैं, कुछ बच्चे शेयर नहीं करते, कुछ बच्चे काम करते नहीं है। सबको करना है ये अपनी फाइल में वर्क, सारा फाइल वर्क है जो हमारे वीडियोस में मैं दिखा रही हूँ, सब फाइल में आप काम करेंगे, ठीक है। ये हमारे फ्रूट रेडी हो जाते हैं बेटा। अब हम फ्रूट्स रेडी होने के बाद में मैं आपको फ्रूट बास्केट भी बना सिखाती हूँ किस तरीके से फ्रूट बास्केट बनेंगे। आपको इसके हमें हाफ पेपर को डिवाइड कर लेंगे। हम एक सिंगल ही पेपर यूज कर रहे हैं फ्रूट बास्केट बनाने के लिए भी, आप चाहे तो फुल पेपर भी यूज कर सकते हो। ये मैंने लिया है फुल पेपर लिया है। मेरा जो विड्थ है बीज की ये 28 इंच सेंटीमीटर्स है, तो मैं इसको डिवाइड कर लूंगी 14 के अंदर, और इस तरीके से मैंने इसको 50% डिवाइड कर लिया पेपर को अपना। देन जो बॉटम एरिया है, बॉटम से 1 सेंटीमीटर छोड़ के आप एक मार्क कर लेंगे स्केल से, 1 सेंटीमीटर का मार्क छोड़ के। देन उसके बाद आप 6 सेंटीमीटर का उस पॉइंट से 6 सेंटीमीटर का मार्क करेंगे ऊपर तक। ये हम बास्केट बनाना चाहते हैं, तो बास्केट हमारी किस हिसाब से बनेगी वो बता रही हूँ। जो मेरा बड़ी फाइल है तो मेरा रेशियो अलग चलेगा, अगर आपको आपकी फाइल छोटी है तो आप इसी रेशियो से छोटी फाइल में भी ड्रॉ करिए, रेशियो यही रहेगा। मतलब जो मैं नंबर्स बता रही हूँ, मेजरमेंट बता रही हूँ, वो यही रहेगा। उसके अकॉर्डिंग हम छोटी फाइल में सिंगल शीट में ड्रॉ करिए, सारी चीजें एक साथ मत ड्रॉ करिए, ठीक है। तो अब मैंने इसको रखा है, मैं 16 सेंटीमीटर का डाया बनाना चाहती हूँ उसका कर्व, तो मैंने 8 पे रखा है, 8 इधर 16 तक मैं मार्क करूंगी। ये मैंने मार्क किया, एक हल्की सी लाइन ड्रॉ करिए फॉर आइडियल। देन बॉटम पार्ट जहाँ हमने 1 सेंटीमीटर मार्क किया था,
वहां पे मैंने रखा है और टू टू इंच ये रहेगा, टू इस दिस साइड लेफ्ट साइड एंड टू राइट साइड, हम पॉइंट मार्क कर लेते हैं, ये हमारा आइडिया लग जाता है थोड़ा सा। देन आप जो अपने फर्स्ट लाइन ट्रेस की थी उसके बैक में नीचे जाएंगे, 1 सेंटीमीटर का मार्क करेंगे और वहां पे भी एक लाइन मार्क कर लेंगे। एक्चुअली मुझे आइडिया हो गया 1 सेंटीमीटर का, तो मेरा एक्यूरेसी जाती है, आप अपने अकॉर्डिंग मेजरमेंट कर सकते हैं। फिर हम इसको कर्व से ऐसे मिला देंगे, ये हमारे बास्केट का अपर एरिया हो जाता है। देन आप यहाँ जाओगे और इसको कर्व लाइन से यहाँ तक मैच करोगे ऐसे, और ये स्लीपिंग फिर देन कर्व। यहाँ पे हमारी बास्केट का बॉटम एरिया कवर हो जाता है, एक छोटा सा हम स्टैंड टाइप में बना देंगे नीचे इसमें, जिससे बेटा ये हमारी बास्केट कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसको हल्का सा कर्व शेप देना है, क्योंकि बास्केट हमें कर्व शेप में लगती है, तो ये जो लाइन थी आपको सेंटर पॉइंट उससे आप थोड़ा सा नीचे मतलब 0.5 डाउन जाएंगे, देन सेकेंड लाइन से भी 0.5 डाउन मार्क करेंगे। ये केवल मार्किंग करनी है आपको इसको शेप देने के लिए। फिर मैं यहाँ से कर्व लाइन के अंदर लेते हुए इसे मैच करूंगी, ये लाइक दिस। मैं आपको फ्रूट बास्केट बनाना सिखा रही हूँ, आप इसी तरीके से वेजिटेबल बास्केट भी बनाइए और फिर मुझे शो करेंगे वर्क अपना, शो करना है टाइम टू टाइम कि हमने मैम ये काम करा है। 30-40 बच्चे हैं जो हमें काम शेयर करते हैं, बाकी अदरवाइज बच्चे नहीं कर रहे, सभी को भी अपना काम शेयर करना है, ड्राइंग का हो या क्राफ्ट का हो सबसे रिलेटेड। ठीक है, अब हमारी बास्केट कम्प्लीट हो चुकी है, जो आउटर जो हमने स्ट्रेट लाइन खींची थी उसको मैं रब कर रही हूँ। जब बास्केट बन जाती है तो फ्रूट बास्केट में या वेजिटेबल बास्केट में हमको एक चीज ध्यान रखनी होती है कि सबसे पहले जो बिग साइजेस फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं, जैसे पपाया है आपका, पम्पकिन है वेजिटेबल्स में, इस तरीके के जो मेलन्स हैं, अगर आप इस तरीके के फ्रूट्स में लगाते हैं वो बैक में जाएंगे। जो छोटे फ्रूट्स हैं जैसे एप्पल, ऑरेंज, पियर, ये फ्रूट्स आगे आते हैं, तो हमको इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही काम करना है। अब ये देखिए, मैं सबसे पहले पपाया बनाऊंगी इसके अंदर। मेरा साइज, ये जो मैंने ऊपर फ्रूट्स बनाए हैं उसे लिटिल बिट स्मॉल रहेगा, क्योंकि बास्केट का साइज स्मॉल है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पपाया बनाएंगे। पपाया सेम पिया जैसा ही बनता है, थोड़ा सा उसका साइज चेंज होगा, लेकिन ये देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपकी जो बास्केट है, बच्चे जो बास्केट में फ्रूट लगाते हैं तो क्या करते हैं, पूरा टॉप पे सेम फ्रूट उठा के यहाँ रख देंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे बास्केट में फ्रूट हाफ जा रहा है तो हमको वो हाफ शो करना है। तो मैंने ये देखिए पपाया का हमने फ्रूट बनाया है। इसके बाद जब हम इसके आगे रखेंगे, जैसे मैं एप्पल रखना चाहती हूँ, तो मैंने ये एप्पल जब ड्रॉ किया है तो आप ये देखेंगे कि हमारा जो पपाया का हाफ पोर्शन है वो नहीं दिखेगा, अंडरस्टूड, क्योंकि हमारे बास्केट में इनटेक है और ये बैक फ्रूट है। तो अब मैं एप्पल जो बना रही हूँ वो मेरा एप्पल बड़ा लग रहा है पपाया से, क्योंकि एप्पल फ्रंट में आ गया, पपाया बैक में चला गया। तो हम जो इसकी लाइंस है ये वाली उसको रब कर देंगे, और एप्पल का भी ना इस तरीके से पोर्शन बनाएंगे कि इसमें हाफ एप्पल हमारा दिखे, हमें कंप्लीट नहीं दिखना है लेकिन हाफ हमें दिखना चाहिए, क्योंकि हाफ हमारा बॉटम पार्ट में इंसर्ट है। देन मैंने इस तरफ ग्रेप्स बनाना चाहा है, तो ये देखिए मैंने ये पहले ग्रेप्स बना लेती हूँ मैं यहाँ पे। कई बच्चे क्या करते हैं, फुल ग्रेप्स बनाते हैं, ऐसा नहीं होता बेटा, पहले जो अपर ग्रेप्स हैं वो बनेंगे आपके, उसके बाद में आप बॉटम ग्रेप्स बनाएंगे और हर ग्रेप्स हाफ नजर आएगा क्योंकि ये बंच में होते हैं। ये देखिए हम लोग इतना पहुंच चुके, यहाँ पे हम लोग फिर फ्रूट्स कंटिन्यू बना रहे हैं। ये ग्रेप्स साइज सबका एक्यूरेट रहेगा, कोई छोटा कोई बड़ा ज्यादा नहीं करना है, होता है लिटिल बिट चेंज, लेकिन आप कोशिश करना है कि अपना फ्रूट का जो साइज है वो एक्यूरेसी बने। अगेन ऐसा लास्ट में वन नहीं बचेगा, ये देखिए इस तरीके से रखा लगे कि ये रखे हुए हैं, ऐसा नहीं कि ना हमने कहीं हैंग कर रखे, इस फॉर्म में नहीं आना चाहिए। ये हमारा ग्रेस बन जाता है। अब ग्रेप्स हमारा शो हो रहा है, पपाया यहाँ जा रहा है, तो हम थोड़ा सा मैंगो का बनाना चाहेंगे, तो मैं मैंगो यहाँ बना रही हूँ।
बस मैंगो का अपर पोर्शन ही दिखाऊंगी क्योंकि मैंगो हमारा ये इस तरीके से, ये हमारा मैंगो है, पपाया है। देन बनाना पे आ जाते हैं। पहले मैं बनाना शुरू करूंगी आगे फ्रंट की तरफ। तो बनाना थोड़ा सा बड़ा आएगा क्योंकि हमारा एप्पल से बिगर साइज होता है। ये देखिए हमारा बनाना कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा ये स्पेस रह जाता है, तो हम इसमें कौन सा फ्रूट लगाएं? या तो हम पम्पकिन लगा सकते हैं, या फिर हम इसके अंदर पाइनएप्पल लगा सकते हैं, या आपकी इच्छा है, कुछ भी फ्रूट लगाना चाहे, स्पेस कम है और स्पेस के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे कौन सा पम्पकिन लगा, पम्पकिन तो फ्रूट नहीं होता है, पाइनएप्पल लगा देती हूँ। ये देखिए पाइनएप्पल कैसी रिलीज होती है ना, हमको हल्का सा आइडिया देना है वाटर कलर के हिसाब से, क्योंकि हम इसमें आगे काम करना करेंगे तो हमें फिर जितनी लाइंस होंगी उतनी हमको प्रॉब्लम भी आएगी कलर के अंदर। तो मैंने एक ये आइडिया ले लिया कि मेरे ये फ्रूट्स यहाँ पर है, ये फ्रूट्स यहाँ पर है, और इसको फिर हमने यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंजेस नजर आ रहा था। हम भी बनाते रहते हैं लेकिन फिर भी परफेक्शन बहुत जरूरी, जब तक आप काम नहीं करोगे इसके अकॉर्डिंग, फिर ड्राइंग जरूरी नहीं है, आपके ड्राइंग में ही काम आएगी। आप इंजीनियर बनेंगे, आप डॉक्टर बनेंगे, आप आर्किटेक्ट बनेंगे, कुछ भी बनेंगे, तो आपको ड्राइंग तो मस्त है ही, आपको ड्राइंग लाइफ में इन्वॉल्व होनी ही पड़ेगी। तो ये देखिए इस तरीके से हमें, मैंने इसकी पार्टिकल्स कर लिए, ये हमारा बास्केट लुक दे रहा है। जहाँ कर्व है वहां पे कर्व, जहाँ स्ट्रेट है वहां स्ट्रेट, और इस तरीके से हमारा ये बास्केट लुक रेडी जाता है। अब हम जाएंगे कलरिंग के लिए। कलरिंग के लिए हमें क्या चाहिए होगा, वाटर कलर्स, ब्रशेस, वाटर, और मैंने क्या कहा था हाथ में क्या होना चाहिए, रफ क्लॉथ, जिससे हम लोग अपने उसको वाइप कर सकें, टिश्यू। तो थोड़ी बहुत ये देखिए मैंने अलग अलग स्टाइल के अलग अलग ब्रशेस लिए हैं, क्योंकि हमें जब बारीक लाइन करनी होगी बिल्कुल थिनर पार्ट, तो मैं 0 नंबर का ब्रश यूज करूंगी। हैवी वर्क करना है, ज्यादा कलर करना है, तो मैं हेल्दी ब्रश यूज करूंगी, हैवी वाला जिसमें ब्रशेस ज्यादा हैं। बाकी मैंने कोई फ्लैट ब्रशेस भी लिए, इन कलर इन ब्रशेस का हम यूज करेंगे। और कलर कॉम्बिनेशन में हम जनरली मैं केक कलर्स और रंगीला कलर्स यूज कर रही हूँ, तो आप भी वो यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं रेड कलर यूज करूंगी एप्पल के लिए। तो आप देखिए मैंने मेरी जो टिप है उसमें बहुत स्मॉल कलर है, थोड़ा सा ही मैंने कलर लिया है। तो कलर लेके पहले मैंने पैलेट में डाला है, फिर मैं इसको यूज करने वाली हूँ इसके ऊपर। आपको लाइट का भी इम्प्रेशन देखना है कि लाइट किस तरह से आ रही है, सब में एक ही तरफ से ही आप ट्रांसपेरेंट लुक देंगे। अभी मैं फ्रंट में देना सिखा रही हूँ आपको कि फ्रूट बास्केट में हम फ्रंट में ही देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा सेंटर में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लुक हो जाएगा, बिल्कुल लाइट रेड कलर। तो इसमें हम ब्रश में वाइप कर रही हूँ वाटर से अगेन, और इसमें फिर कलर अप्लाई, मतलब कलर नहीं लिया है मैंने ब्रश के अंदर, केवल वाटर के साथ में सिंगल इतना ही ब्रश के अंदर मेरा पूरा एप्पल कवर हो जाता है। ज्यादा हमें कलर नहीं चाहिए इसके लिए, कि आप बच्चे बहुत सारा ब्रश में कलर ले लेते हैं उसको फिर वेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं करना है। ये देखिए ठीक है ना, सेम दिस वन अगेन। अगर हम ग्रीन कलर लीफ में ले रहे हैं, अभी हम रेड की शेडिंग कर बताऊंगी मैं आपको, रेड कलर की शेडिंग कैसे करनी है, मुझे किस तरीके से करेंगे हम लोग। ये लीफ में हल्का सा कलर लिया है, उसमें बेसिक ये देखिए बेटा हल्के से कलर से भी आप थोड़े से कलर में पूरी पेंटिंग बना सकते हैं। वाटर कलर में तो ज्यादा कलर ही नहीं चाहिए,
कई बच्चे पूछते हैं कि मैम फैब्रिक कलर और इस कलर में क्या चेंजेस है। फैब्रिक कलर जो होते हैं बेटा वो परमानेंट कलर्स होते हैं, परमानेंटली आप काम मतलब उसमें वो रिमूव नहीं होंगे जल्दी से। लेकिन जो आपके ये वाले कलर्स होते हैं के कलर्स वो वाटर के साथ में रिमूव हो जाते हैं। इसलिए मैंने हल्का सा ब्रश में ब्राउन कलर लिया है शेडिंग के लिए और इस तरीके से मैं स्ट्रोक्स दे रही हूँ उस पर, ब्राउन कलर की शेडिंग दे रही हूँ एप्पल के साथ में, जिससे वो डार्कनेस शो करे। ये देखिए अब मैं इसकी स्टिप बना रही हूँ। डार्क ब्राउन कलर मैंने लिया है, हल्का सा ब्राउन कलर, और उसको वाटर से स्प्रेड कर दिया। डार्क ब्राउन कलर है, ध्यान रखिएगा, आपको हो सकता है वहां पे ब्लैक नजर आए, लेकिन ये बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर है। और मैंने लीफ के पास में हल्की हल्की शेडिंग दी है और इसी ही ब्राउन कलर के एक आउटर सी लेयर बना दी है कि चारों तरफ, जिसमें ये इसमें डार्कनेस शो करे। क्योंकि आपको दिखना चाहिए कि लाइनिंग यहाँ पे फिनिशिंग लाइनिंग है, ऐसे ही सेम लीफ में भी हम लोग बनाएंगे। बेटा हम पियर बनाएंगे, पियर के लिए मैंने लाइट ग्रीन कलर केक कलर यूज किया है ये वाला। और देखिए ब्रश में कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लुक देगा आपको इस तरीके से आप इसमें। और ये पियर कैसा शेड देता है हमको ग्रीन के साथ में लाइटिश येलो कलर, तो हम इस कलर के इस फॉर्म में यूज करेंगे इसे। थोड़ा सा मुझे कलर और चाहिए होगा, केक कलर हमें थोड़ा सा बार बार चाहिए होता है, जो आपके डाइल्यूट कलर होते हैं जिसमें वाटर ऐड होता है वो हमें थोड़ा सा कम क्वांटिटी में चाहिए होता है। और जब भी आप लोग फैब्रिक कलर करते हैं ना बेटा, तो फैन मतलब इसमें एयर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि वो उसमें मिक्सिंग में प्रॉब्लम आती है। वाटर कलर जो होते हैं आप उसमें वाटर ऐड करके मिक्सिंग कर सकते हो, लेकिन जो नॉर्मल कलर होते हैं आपके फैब्रिक कलर्स वगैरह वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं, जिससे आप उसकी प्रॉपर शेडिंग नहीं दे सकते। आप देखो मैंने साइड में बिल्कुल लाइट रखा है और मैंने ब्रश को वाइप किया है। मैंने बताया था आपको कि मैंने 2 वाटर कंटेनर लेने हैं आपको, ध्यान रखना है इस चीज का, ग्रीन येलो कलर। अब हम अपर पोर्शन हल्का सा डार्किश शो करेंगे इसका, ये साइड की बाउंड्री, उसमें मैंने थोड़ा सा सॉलिड कलर लिया है और शेडिंग करी है इसे। देखो इस तरीके से हमारा, और ये वाला जो पोर्शन है ये भी थोड़ा सा डार्क, इसमें आप चाहें तो बिल्कुल थिन ब्रश से इतना सा टिप लेके ये देखिए, और आप इसमें एक आउटलाइन से लगा सकते हैं डार्क कलर की ये। देन इसकी स्टिक भी ग्रीन होती है, तो मैंने डार्क ग्रीन कलर के लेके ही इसकी स्किन ग्रीन करी है। बेटा फ्रूट के जो जैसे दिखते हैं ना आपको ओरिजिनलिटी, आपको कोशिश करनी कि ओरिजिनलिटी ही लेके आए उसके अंदर, ठीक है। ये देखिए तो हमारा पियर कंप्लीट हो गया। देन वी गो फॉर अ मैंगो साइड, मैंने ब्रश को वाइप किया है, वॉश किया अगेन, और येलो कलर मैं ले रही हूँ, और येलो कलर का ये देखिए इस तरीके से येलो कलर मैंने लिया है। अब देखो हल्के से कलर में आप लोग क्या करते हैं, वही मैं बार बार आपको एक ही चीज बोल रही हूँ, कलर को वेस्ट नहीं करना है, कलर का यूज करना है हमको, बहुत सारा यूज करना है, जितनी ट्राई करोगे उतना ही अच्छा लगेगा ये कलर करना। थोड़ा सा हम लोग ऑरेंज कलर लेंगे, येलो के साथ में हल्का सा ऑरेंज की मिक्सिंग करके ये शेड दिया है हमने, ठीक है। और लाइट अगेन यहाँ पे डार्क पार्ट, डार्क एरिया इस तरीके से मैंने मिक्सिंग करी है। अब देखिए मैं अलग अलग ब्रश यूज कर रही हूँ, आप देख रहे होंगे बार बार कि मैम कभी कोई ब्रश यूज करी कभी कोई, क्योंकि हमें अलग अलग तरीके के ब्रश का यूज करना होता है एट अ टाइम, ऐसा नहीं कि एक ही ब्रश में से सब चीज बन जाती है, क्योंकि फिर बार बार ब्रश वॉश करना भी नहीं होता इसलिए। मैंने लीफ में लाइट येलो कलर, लाइट ग्रीन कलर किया सॉरी, और उसके बाद मैंने इस तरीके से इस पे लाइन बनाई है डार्क ग्रीन कलर की। हमारा मैंगो कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए बेटा जब ये शेड देंगे आप तो इस तरीके से ब्रश को,
यहां से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे ऐसे, बिल्कुल लाइन नहीं बनानी है आपको, ब्रश प्रेशर देना है यहाँ पे, और यहाँ पे लाके लाइट वेट राइट छोड़ना है। इस तरीके से आपको लीफ की स्ट्रोक्स देने। आप देखिए बेटा, मैंने जो ब्रश पकड़ा है वो मैंने यहां से पकड़ा है। जनरली वैसे जो ब्रश पकड़ते हैं वो इस तरीके से होल्ड करते हैं, लेकिन जब मैं छोटी थी तो मुझे कोई सिखाने के लिए नहीं था, तो मैंने ऑटोमेटिकली अपने आप ही सीख लिया, तो मैंने ये इस तरीके से ब्रश को होल्ड किया। हालांकि ये पैटर्न रॉन्ग है, लेकिन मैं इसमें कम्फर्ट हूँ तो मैंने इसके ऊपर वर्क करना शुरू किया। आपको जैसे भी कम्फर्टेबल हो वैसे यूज करिए, लेकिन देखो ब्रश में इसमें मार्क दे रखे हैं, तो ब्रश मेनली यहाँ से होल्ड होता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि यहीं से आप लोग प्रैक्टिस करें। अब ये इनिशियली स्टेज है, तो लेकिन जैसे मैंने सीखा मैं वैसा कर रही हूँ। तो अब हम करते हैं, आते हैं ये बनाना के ऊपर। बनाना में हम कौन सा कलर करेंगे? ऑरेंज। ऑरेंज कलर करें? नो, हम बनाना में येलो कलर फिल करेंगे। और पहले हम कम्प्लीटली इस पर येलो फिल कर लेते हैं। प्लेन ट्रांसपेरेंट येलो एंड डार्क येलो, ट्रांसपेरेंट लुक देगा। मैंने अभी पेंसिल के स्ट्रोक्स वो रब नहीं करे हैं क्योंकि आपको दिखे, लेकिन आपको जो पेंसिल है वो बिल्कुल लाइट रखनी है और उसके बाद उसमें कलरिंग करनी। अब जैसे मेरा ये कलर ड्राई थोड़ा वेट है, तो मैंने साथ में ही ब्राउन कलर मिक्स किया है इसके हल्का सा, और उसके साथ में इसकी शेडिंग दी, क्योंकि बनाना में कहीं कहीं होता है ना ब्राउनिश इफेक्ट होता है। अब हमने इसमें ब्राउन लगाया, फिर इसको केवल वाटर से वाइप करके मर्ज किया। कलर इस तरीके से मर्जिंग करेंगे आप। अगर हम ब्रश को अपने क्लीन करके नहीं रखते ना बार बार, तो क्या होता है ब्रश के जो स्ट्रोक्स हैं आगे के वो उठ जाते हैं। फिर आप कहते हो कि मेरे ब्रश खराब है। मैम वो ब्रश इसलिए खराब हो जाता है जल्दी क्योंकि आप उसकी केयर नहीं करोगे। ये तो आपकी लाइफ का एक पार्ट है, अगर आप इसमें नहीं फोकस कर रहे हो तो फिर खराब हो जाएंगे ये। ठीक है उर्वशी, समझ में आ रहा है? प्रिंस भी फॉलो कर रहा है ना आजकल, पेंटिंग करने लगा है आजकल बहुत अच्छी। ये देखिए मैंने वन बनाना बनाया, सेकंड बनाना के ऊपर मैं शिफ्ट कर रही हूँ। अब फ्रूट बास्केट में मैं जल्दी जल्दी कलर करके दिखाऊंगी क्योंकि मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए कहते हैं मैम इतना लंबा लंबा वीडियो बना रही है ना, इसलिए ये देखिए अब मैंने आपको बहुत बारीकी से सिखा दिया है कि किस तरीके से हम फ्रूट बना रहे हैं। अगेन कौन सा कलर लेंगे? ब्राउन। ब्राउन की थोड़ी थोड़ी शेडिंग और इसमें मर्जी हल्का सा स्ट्रोक ब्राउन का, बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है क्योंकि ज्यादा ब्राउन करा तो लगेगा कि बनाना खराब है। भाई फ्रूट बास्केट में हमको वाला बनाना थोड़ी लेना है गंदा वाला, हमको तो फ्रेश बनाना चाहिए। तो बस थोड़ा सा इसमें हल्की सी शेडो आती हुई कि हाँ थोड़ा सा ये रेडी है खाने के लिए, ईटिंग के लिए। इस हिसाब से वो ग्रीन नहीं रख सकते ग्रीन, जो ये देखिए यहाँ पे टिप पे मैंने थोड़ा सा ब्राउन कलर कर दिया। और मैंने बिल्कुल बारीक ब्रश लिया है इसके लिए क्योंकि मुझे आउटलाइनिंग करनी है। हाँ ये देखिए ब्रश का बहुत रोल है पेंटिंग के साथ में। और इसके अंदर हम हल्का सा मिक्स करेंगे येलो क्योंकि ये बिल्कुल ब्राउन नहीं होता। ये बस लिखे लिटिल बिट डार्क। ये देखिए बच्चा मेरी कुल पैलेट में इतना ही कलर मैंने यूज किया, इतने कलर से ही मैंने अभी आपको इतनी पेंटिंग करके दिखा दी, ज्यादा कलर यूज नहीं किया है। तो आप भी ऐसे ही वेस्ट नहीं करना है, यूज करना है कलर को। अब मैंने ग्रीन कलर ले लिया है ब्रश में ग्रेप्स बनाने के लिए, तो मैं इस तरीके से इसमें ग्रेप्स के स्ट्रोक्स राउंड वे में, ठीक है ऐसे कलर कर रही हूँ इसके अंदर। सोच रही हूँ कि मैम बोल क्यों नहीं रही। बेटा जब हम लोग क्रिएटिव वर्क करते हैं ना भूल ही जाते हैं कि ना इसमें बात बताने भी है आपको, क्योंकि हैबिट ऐसी है। इसलिए ये जो काम करते हैं इसमें हम बिल्कुल शांत होकर करते हैं, इसमें हमें बातों की आवाज। मैंने जैसे ग्रीन कलर
कलर किया है, इसके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा येलो कलर भी लगाऊंगी हल्के से, जिससे हमारे आपको नजर आएंगे पके हुए हैं, मतलब रेडी हैं ग्रेप्स। इसे बेटा कर्व में ही लेना है कलर शेडिंग, है ना। आप ये देखिए येलो का इफेक्ट, लिटिल बिट इसमें इफेक्ट है येलो का। काफी बच्चों को अच्छा लगता है करने में, है ना। हाँ, तो मैं आपको बताई थी कि जब हम काम करते हैं फिर लगता है कि नहीं, इसमें हम बहुत बहुत शांति से, मतलब एक रिलीफ मिलता है जब हम पेंटिंग करते हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत थक गए, आपका मन है कुछ क्रिएटिव से करें, मतलब कुछ करें, तो आप ये करिए, आपका मन भी हल्का हो जाएगा और कलर के साथ तो बहुत इंजॉय करेंगे खेलने में कि हाँ कितना अच्छा लग रहा है ये। आप जब एक बार इंटरेस्ट लेंगे ना, फिर ये आपको अपने अंदर बिल्कुल फील करवा देंगे कि नहीं कितना इम्पोर्टेंट है हम आपके लिए। आप करने लगी है इनके साथ में वर्क, क्योंकि कितने बच्चे कहेंगे कि मैम हमें बहुत मजा आता है कलर करने में। ये हमारा ग्रेप्स कंप्लीट हो गए, और मैंने बिल्कुल लाइट ब्रश लिया है ग्रीन, इसकी स्टेम बनाने के लिए लेते आप देख रहे हैं ना बिल्कुल लाइट। अब आपको ब्रश में कलर लेना है हल्का डार्क ग्रीन, मतलब जो मेन कलर है हमारा वाटर एडनिंग किया है मैंने, और उससे आउटलाइन हल्का हल्का सोख देना है आपको, क्योंकि ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कम भी नहीं होना चाहिए। आपको लगता है अगर ज्यादा हो गया तो आप थोड़ा सा वाटर ऐड करके उस ब्रश के साथ में मर्ज कर दीजिए कलर को इस तरीके से। ये देखिए, तो आपको आउट लेयर इसकी हल्की सी नजर आ जाएंगी, ये देखो। और जो ऊपर का अपर पार्ट है हमने, उसके स्टिक्स भी मैंने इस तरीके से कंप्लीट कर लिए ग्रीन कलर की। ये हमारे सारे फ्रूट रेडी हो जाते हैं। अब हम आएंगे बास्केट पे, बास्केट बनाना शुरू करेंगे। बास्केट बनाने के लिए अब मैंने आपको काफी कलरिंग बता दी है, एप्पल की कलर कैसे करनी है और ग्रेप्स की कैसे करनी है, इन सब की। तो अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले अपना कलर लाइट करूंगी, पेंसिल जो मैंने आपको दिखाया है हल्के हल्का रब कर लूंगी। बस मुझे स्लाइटली देखना चाहिए कि ये मेरा कलर है, मुझे यहाँ कलर करना है एरिया में, मेरा काफी एरिया है, इतना ही दिखना चाहिए। तो मैंने हल्का हल्का रब कर लिया। अगेन फॉलो कलर करना शुरू करेंगे, पहले रेड कलर करेंगे एप्पल में। देखिए सॉलिड कलर लिया है एप्पल का, और फिर एप्पल में कलर शुरू करेंगे, क्योंकि सबसे फर्स्ट हमको क्या दिख रहा है, एप्पल दिख रहा है, तो एप्पल में कलर करना शुरू करते हैं इस तरीके से। अगर आपका थिक ब्रश पे नहीं चल पा रहा है हाथ, आप छोटे ब्रश यूज करिए। अब ये ओवरलैपिंग है, थोड़ा सा और हमको केयरफुल होने की चीज है कि बनाना है यहाँ पे, आप उसको माइंड में लेके चलेंगे कि हमको किस अकॉर्डिंग बनाना है अपने फ्रूट्स, क्योंकि कवर नहीं होने चाहिए आपके जो बाकी फ्रूट्स हैं। अब मैंने देखो इतना ब्रश ले कलर ले लिया, अब मैं इसमें केवल वाटर के साथ में ही इसे मर्जिंग कर रही हूँ। ये इस तरीके से लाइट का ध्यान रखते हुए, एप्पल कंप्लीट हो चुका। सेम शेडिंग दी है जैसे मैंने अपर में दी थी, आउटलाइन लेयर करी है इसके अंदर। बनाना पे आई हूँ, बनाना बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए कलर कम से कम ट्रांसपेरेंट लुक रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए फाइल बिल्कुल नीट होनी चाहिए साइड की आपकी, ये सब फाइल आपके सबमिट होंगे जब आप स्कूल ओपन होंगे अपने, सब देखा जाएगा काम की आपका कंप्लीट है कि नहीं, ग्रेड मिलेगी इसके अकॉर्डिंग। आपको ग्रेड मिल रही है ना अभी, जो बच्चों का काम आ रहा है उनको ग्रेड मिल रही है, उनका नहीं आ रहा उनके नहीं रिकॉर्ड में है, अब बताएंगे नहीं तो कैसे पता लगेगा। इसलिए अपना काम करते रहिए और हमें बताते रहिए कि हमने मैम ये काम किया है, ये काम किया है। मेरा ब्रश में ज़्यादा कलर आ गया तो मुझे को वाइप करना है और ब्राउन कलर की।
अब हम करेंगे पीयर, ये देखिए पीयर में हमने किसकी शेडिंग की थी, साथ में ग्रीन एंड येलो की शेडिंग करेंगे हम इसके अंदर। ये मैंने येलो कलर लिया है अपर पार्ट में। अब देखिए मैंने बहुत थिन ब्रश के अंदर ग्रीन कलर लिया है, डार्क ग्रीन कलर, और इसकी स्टिक्स बना रही हूँ हल्की सी। चाहे तो हल्की सी लाइन हम इस पे दे सकते हैं इसी ग्रीन कलर के, जिससे शेडो इफेक्ट जो आता है साइड में डार्कनेस वाला वो आता रहे। बिल्कुल बहुत थिन, मतलब पेंसिल जैसे आप पेंसिल से ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। देन वी गो फॉर अ मैंगो साइड, अब हम मैंगो बनाएंगे। ब्रश में येलो कलर अप्लाइड लाइक दिस, डार्क मिड की तरफ लाइट करना है, इसलिए हम सबसे पहले आउटर एरिया में करेंगे और आउटलाइन फॉर्म कर लेते हैं। आउटलाइन फॉर्म करने से फिनिशिंग आ जाती है इसके अंदर। वाटर ऐड करेंगे, ब्रश ड्राई नहीं होना चाहिए बेटा आपका। ऐसे ही हम नेचर स्टडी भी करेंगे, मैं आपको बर्ड बनाना सिखाऊंगी वाटर कलर से ही, बर्ड ट्रीज। ये देखिए, और इसके साथ में हम लोग करेंगे हल्की सी ऑरेंज की मिक्सिंग, जैसे हमने टॉप में किया था ना, वो ऑरेंज कलर प्रॉपर इसमें मर्ज हो जाना चाहिए। तो वाटर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है और ये ऐसे। देन ग्रीन कलर करेंगे इसके लीफ में, तो आप देखिए कि ग्रेप्स और लीफ दोनों साथ में हैं, तो मैंने इसलिए इसकी लीफ थोड़ी डार्क कर दी। पहले मैंने लाइट ली थी, फिर सडनली मुझे याद आया कि नहीं दोनों मर्ज हो जाएगा आपस में इसकी लीफ, तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में ले लिया, डार्क ग्रीन कर दिया, क्योंकि जो मैंगो का प्लांट है वो ओरिजिनली तो वो डार्क ग्रीन ही होता है ना। तो इस हिसाब से हम लोग डार्क ग्रीन कलर चूज करते हैं। ये हल्का हल्का हम लोग इस पर ना ऑरेंज कलर में और लगा रही हूँ, मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा है ऑरेंज फॉर्म, तो ये इस तरीके से ऑरेंज कलर में लगा रही हूँ हल्का सा, क्योंकि बेटा पिक्चर भी प्रॉपर दिखनी चाहिए जितनी ओरिजिनलिटी होती है, और साथ में उसके कलर्स भी हमको प्रॉपर दिखने चाहिए। तो ये देखिए हल्का हल्का मैंने ये ऑरेंज किया है। अब हम करेंगे ग्रेप्स, ग्रेप्स के लिए वही सेम कलर हमने यूज किए थे पहले। सॉरी मेरा ये ब्रश खराब हो रहा है, दूसरा ब्रश ले रही हूँ। ये ग्रीन कलर मैंने लिया और कर्व फ्रेम में यूज किया इसे। और साथ में हमको किसकी मिक्सिंग करनी है इसके अंदर, किसकी करनी है, येलो की। तो येलो कलर भी हम लोग पैलेट में ले लेते हैं साथ में, फिर मिक्सिंग करते जाते हैं। ब्रश में दोनों कलर हैं, येलो भी है और ग्रीन भी है, तो ये अपना एक लुक देता रहता है। ये मैंने हल्के से इसमें ब्राउनिश लुक दिया है, जिससे आपको लगे कि जो ये कई बार ग्रेप्स होते हैं थोड़े डार्कर शेड के भी होते हैं बंच में, तो कोई लाइट होता है कोई डार्क होता है, तो मैं उसके हिसाब से मर्जिंग करनी है। हमने कलर तो फॉर्म कर लिया, अब हमें इसकी आउट लेयर देनी है कि ये हर ग्रेप्स अलग अलग नजर आए। तो मैंने ग्रीन कलर लिया है
ब्रश में और थोड़ा थोड़ा उसमें इस तरह से कर्व दे देंगे। आप थोड़ा सा डार्क कलर भी मर्ज कर लेंगे साथ में और हल्के से हाफ साइड में इस तरीके से कर्व लाइन बनाएंगे। पाइनएपल की डन आ गई। पाइनएपल के लिए मैंने वही सेम ब्राउन कलर लिया ब्रश के अंदर और ये ब्राउन कलर लगाया इस पे। अब हम ब्राउन कलर की ना लाइंस बना लेंगे साथ में हल्की हल्की ऐसे। ये बहुत सिंपल फॉर्म है जो मैं आपको बता रही हूँ और इस तरीके से बिल्कुल थिन ब्रश लेंगे आप येलो कलर फिर इसमें लगाना शुरू करेंगे ऐसे साथ में ब्राउन और येलो। मैंने ये जो पाना पहले वो कंप्लीट किया है ब्राउन कलर और येलो कलर की मिक्सिंग से और ये देखिए अब ग्रीन कलर की हम लोग इसकी लीव्स बना रहे हैं। आपको ब्रश को नीचे से मोटा ऊपर की तरफ लाइट लेके जाना है। ये देखिए फ्लैट ब्रश को यूज किया स्मॉल ब्रश को लेकिन नीचे से प्रेस किया फिर उठाया है इस तरीके से मैंने इसकी लीव्स बनाई है। अब मैंने लाइट कलर लिया थोड़ा सा मैं डार्क कलर लूंगी ब्रश में और साथ में ही डार्क कलर के स्ट्रोक भी ऐसे दूंगी क्योंकि ये काफी डार्क एरिया होता है इसका। ये इस तरीके से हम लोग कलर्स के रूप में जैसे कलर जैसे आता है वैसे ही होता है ना पाइनएप्पल ऐसा लुक हमारा आ जाता है। और आपको थोड़ा सा चाहिए था आप इसके जो एरिया हैं ये वाले लाइट ब्रश से हल्का हल्का कर सकते हैं आउटलाइनिंग। अब बीच बीच में हम लोग इसमें हमारे फ्रूट्स तो सारे रेडी हो गए लेकिन बास्केट का डन है। बास्केट तो मैं इन कलर से बिल्कुल डिफरेंट बना चाहती हूँ क्योंकि ये सारे रेड ग्रीन मर्ज होते होते ब्राउन मन सा थोड़ा सा चेंज चाहिए तो मैंने तो पिंक कलर लिया है अपना फेवरेट कलर। अगर आपको कोई दूसरा कलर पसंद है तो आप दूसरा कलर भी ले सकते हैं। ये देखिए मैं तो पिंक कलर फिल कर रही हूँ उसके अंदर। ये बास्केट में हमको ये भी ध्यान रखना है कि इतना एरिया ये सारा एरिया कवर होगा पीछे से भी फ्रूट्स में दिखेगा बास्केट क्योंकि साइड से बहुत जगह बाकी हो फ्रूट्स प्रॉपरली कवर ना कर रहे हो एरिया फिर ये सब माइंड में होनी चाहिए बातें तो हमको फिर उसमें हम कलर फिल करते हैं। तो मैंने ये पिंक कलर लिया है अभी मैं पिंक कलर सॉलिड लगा रही हूँ उसके ऊपर। देखिए बिल्कुल स्मूथ वे में ब्रश को क्योंकि इसमें हमको स्ट्रोक भी देने होंगे बास्केट की डिजाइनिंग भी करनी है तो ये मैंने स्मूथ वे में पहले पिंक कलर लगा दिया फिल करा इसके अंदर अच्छे से। ये देखिए मैंने इतना कलर किया उसमें थोड़ा सा मैं येलो की ये रेड की शेडिंग देना चाहती हूँ अभी मेरा ब्रश ड्राई है ज्यादा कलर है लेकिन वाटर नहीं है तो ये इफेक्ट इस तरीके के इफेक्ट दे रहे हैं। आप चाहें तो येलो की भी शेडिंग दे सकते हैं व्हाइट की भी दे सकते हैं जैसा भी आपको अपने अपने अकॉर्डिंग कलर पसंद है। देखिए लेकिन येलो क्या है इसमें मर्ज हो जाएगा। मैंने रेड कलर की ही एक आउटर लेयर आउटलाइन करी हूँ उसके अंदर आउटर लेयर जैसे उससे थोड़ा सा उसमें कर्व आ सके दिखे हमें स्पष्ट
ये देखिए इस तरीके से मैं एक आउट लेयर बना रही हूँ इसकी। ठीक, आप चाहे तो यहाँ पर मतलब इसको बीच में और भी डिजाइनिंग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैंने सिंपल डिजाइन लिया था इसके अंदर जैसे बच्चे इजीली बना सके। ये देखिए, अब ये जो हमने चेक्स बनाए थे, आपने दिखाए थे, मैंने आपको चेक्स बनाए हैं, इनको मैं थोड़ा हाईलाइट कर रही हूँ सिंपल इसी कलर से, रेड से, क्योंकि रेड की शेडिंग दी है हमने। डिफरेंट डिफरेंट कलर से ज़्यादा ऑकवर्ड लगते हैं, इसलिए सिमिलरिटी रहे इसलिए इसको मैं केवल रेड कलर की ही आउटलाइन दूंगी। और बॉटम एरिया जो है वो हम कंप्लीटली रेड कर लेते हैं। एक्चुअली पिंक के साथ में रेड का कॉम्बिनेशन थोड़ा बेटर है, आप चाहे तो ब्लू भी ले सकते हैं, लेकिन इस लुक गुड तो थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। कॉम्बिनेशंस भी हमको मैटर करते हैं कि किस तरीके का आप कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। तो ये हमारी फ्रूट बास्केट रेडी हो गई, लुक्स गुड। मे बी ये देखिए, अब आप अपने बनाइए। मैंने फ्रूट बास्केट बनाई है, आप वेजिटेबल बास्केट भी बनाइए और मुझे अपने पिक्चर्स सेंड करिए इसके साथ में कि आप लोगों ने कितना वर्क किया है। वाटर कलर ही होना चाहिए। अगर किसी को वो कुछ कन्फ्यूजन है, किसी को लगता है कि मैम मुझे ये नहीं आ रही, तो आप मुझे कॉल करिए। मेरा नंबर है 8059898762। थैंक यू।